तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम विंडोज़ 11 को, विंडोज़ 11 के 21H2 को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं 22H2 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको देखने को मिल सके। तो जैसा कि दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरे PC की हेल्थ चेक करके कि यह सपोर्टेबल है या नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अनसपोर्टेड डिवाइस है ये। फिर भी हम इसको अपग्रेड करने वाले हैं 21H2 से 22H2 में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट पे चले जाना है। विंडोज़ 11 की जो डाउनलोड वाली वेबसाइट है, इस पे जाने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही हम ओपन करके यस करते हैं, यस करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना डिवाइस की कोई भी डेटा बिना फॉर्मेट किए हुए ये चीज़ कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे डेस्कटॉप पे जो भी डेटा है वो जैसा है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे मिलेगा अपग्रेड होने के बाद। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन हमें यहाँ पे USB फ्लैश ड्राइव की जगह ISO फाइल सेलेक्ट करना है। तो हम करते हैं ISO फाइल। फाइल पे करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है, हम कोई सा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करके डाउनलोड पे यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है हमें। तो ये करते हैं सेव। देन उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाउनलोड करेगा विंडोज़ 11 को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोग्रेस में है, अभी तक जीरो है। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आ चुका है। हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है एंड बस। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारे विंडोज़ की एक फाइल बन के आ चुकी है, जिसको कि हम ओपन करके भी देख सकते हैं यहाँ से। जैसे ही हम ओपन करते हैं, मान लीजिए ये हमने ओपन किया, तो एक नए विंडो में ओपन होगा। देन यहाँ पे जैसे हम सेटअप पे क्लिक करेंगे, यस करना है। देन यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो रहा है, तो हमें वेट करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो चेकिंग फॉर अपडेट्स आएगा। तो यहाँ पे अगर आपका सपोर्ट अनसपोर्टेड डिवाइस होगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा, जैसा कि मेरा है। मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, रिस्टार्ट होते ही वापस आ चुका है, द प्रोसेसर इजंट सपोर्ट फॉर विंडोज़ वर्जन। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसको क्लोज कर देना है यहाँ से, एंड इसको भी यहाँ से क्लोज करना है। एंड जैसा कि हमारी फाइल जो ओपन हुई थी, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो हमारी जो ये विंडो वाली फाइल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको ओपन करना है आपको। यस पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो ये विंडो वाली फाइल है, ये आपको ओपन कर लेनी है। यहाँ से इन सबको आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, एंड यहाँ पर नया फोल्डर बना के हम पेस्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम सारी जो भी जितनी भी फाइल थी वो पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको ये वाला स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करना है। वीडियो आपको पूरा देखना है, एक बार कंप्लीट होने देते हैं हम इसकी कॉपी, जो भी फाइल्स कॉपी हो रही है वो कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे की क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कम्प्लीटली ये कॉपी हो चुकी है फाइलें। अब हमें क्या करना है, अपने जो भी कंप्यूटर है उसमें जाना है, यहाँ से इसको एग्जिट कर देना है। जो भी हमारी फाइल ओपन हुई थी उसको एग्जिट कर देना है एंड यहाँ से क्लोज कर देना है। अब हमें अपने फोल्डर में जाना है जहाँ पे हमने कॉपी किया है, एंड यहाँ पे हमें चले जाना है। सोर्स वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक फाइल ढूंढनी है, जो कि आपको मिल जाएगी ये वाली फाइल, जो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, AppRaiseERS.dl। ये वाली फाइल है, इसको आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। पहले आप डिलीट करके चेक कर लीजिएगा, अगर आपके लिए वर्क करती है ये तो बेस्ट है, नहीं करती है तो फिर आपको लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप ये वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपको इसको पेस्ट कर देना है और रिप्लेस कर देनी है फाइल। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मैंने डिलीट कर दी है वो वाली फाइल, यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है, वापस से बैक जाना है एंड सेटअप पर क्लिक करना है। सेटअप पर क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से वापस ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, वापस चेक करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रिपेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है, चेकिंग फॉर अपडेट्स आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वापस चेकिंग योर PC आ रहा है,
एंड यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, तो ये हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, वो वाली फाइल यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हम चलते हैं डाउनलोड्स में, एंड यहाँ पे हमारी ये फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ये हमारी DLL आ चुकी है, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, एंड पेस्ट करना है हमें सोर्स वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे चलते हैं एंड इसको करते हैं पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने फाइल पेस्ट कर दी है, रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को, रिफ्रेश एंड देन वापस से सेटअप पे क्लिक करना है। यस, एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं ये वर्क कर चुका है, एंड करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे तो देख सकते हैं आप गेटिंग रेडी आ रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट्स 2%। तो ये वर्क करता है, एंड अभी देख लेते हैं, हम पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ एंड अपग्रेड करके भी दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे सेटिंग में चेक भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो 21H2 ये वाला अपडेट है, एंड अब करते हैं हम 22H2 लेटेस्ट वर्जन पे। हालांकि वैसे 23H2 आ चुका है, लेकिन वो अभी सिर्फ डेवलपर्स में है, तो हम डेवलपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम स्टेबल अपडेट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स हो रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं दिखाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 46 पे आके ये स्टक हो चुका है, एंड काफ़ी देर से ये 46 पे ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी देर वेट करना है, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ लोग पैनिक हो जाते कि ये क्या हो गया, अटक गया, ये रीस्टार्ट करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ी देर बस वेट करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेडी टू इंस्टॉल लिखा हुआ आ चुका है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम पहले। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, आपको एक बार चेक कर लेना है चेंज व्हाट टू कीप, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पे, कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स, कीप पर्सनल फाइल्स ओनली एंड नथिंग। तो हमें कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स रखना है, क्योंकि हमें सारा जो भी डेटा है वो हमें चाहिए है जैसे का जैसे, तो हम कीप पर्सनल फाइल एंड ऐप्स रखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो अपग्रेड हो जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा हमारे लैपटॉप में से, बस सिंपली अपग्रेड हो जाएगा। तो हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, एंड आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपका अगर लैपटॉप है तो वो पावर से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब चार्ज में आपको लगा के रखना है उसको। एंड इसी के साथ अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने जैसे इंस्टॉल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा विंडोज 11 का जो अपग्रेडेशन है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे 0% कम्प्लीट हुआ है। तो अभी हम वेट करते हैं, यहाँ पे हमारा लैपटॉप 2-3 बार रीस्टार्ट भी हो सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार अपने आप रीस्टार्ट होगा, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक 0% ही है, तो हमें वेट करना है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो 62% ये कंप्लीट हो चुका है, एंड इसको इंस्टॉल होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। तो आई थिंक ये 1 से 1.5 घंटा लेने वाला है आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल होने के लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए बहुत सारा, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मेरा 62% हुआ है अभी तक। तो वेट करते हैं अभी और, एंड देखते हैं कितनी देर और लेता है ये कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों रीस्टार्ट हो रहा है हमारा लैपटॉप, प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंस्टॉल हो चुका है, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्टिवेट होने में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरा इंस्टॉल हो चुका है, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो डेस्कटॉप पे सारी चीज़ आपको वैसी की वैसी मिल जाएंगी। अब मैं आपको वर्जन चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 22H2 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है उस पर अपडेट हो चुका है हमारा विंडो। सेटिंग भी आपको चेक करवा देता हूँ एक बार, यहाँ पे चलते हैं अबाउट सेक्शन, एंड यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो 22H2। तो ऐसे आप सिंपली जो है अपडेट कर सकते हो अपने लैपटॉप को, एंड इसके बाद भी अगर आपको कोई एरर आता है तो आप नीचे मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोज आपको देखने को मिल सके।